अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के जमालपुर निवासी अमू में पढ़ने वाली बीए की दो छात्राएं इरम और जेवा इलाके के एक एक्सिस बैंक एटीएम से रुपए निकालने के लिए रविवार की दोपहर में गई हुई थी, जहां पर कि एक युवक पहले से मौजूद था। पैसे निकालने के दौरान दिक्कत होने पर युवक ने मदद के नाम पर एटीएम बदलने की कोशिश की। इसी दौरान उसने ओटीपी भी निकलवाना चाहा। छात्राओं को जब शक हुआ तो उनकी युवक से बहस हो गई। इसी दौरान बाहर खड़ा एक और युवक एटीएम की तरफ आया और दोनों युवक एटीएम जबरन छीनने लगे। चीख पुकार की आवाज पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई तो मौके से दोनों युवक अपनी सेंट्रो कार द्वारा फरार हो गए। भीड़ में मौजूद एक युवक ने बदमाशों को पकड़ने के लिए कार के शीशे को भी तोड़ दिया, जिससे उसके चोट आ गई। घटना की जानकारी देते हुए छात्राओं ने पुलिस से शिकायत की है। वहीं यह भी बताया है कि आरोपी युवक अपना भी एटीएम भी छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरम मुनीर है। इरम, क्या आपके साथ घटना घटी? हम दोनों, मैं और मेरी बहन एटीएम आए थे 1 बजे के करीब एटीएम निकालने। वहाँ एक लड़का पहले से मौजूद था हमारे आगे, एक लड़का आगे दोबारा वो हमारे एटीएम को घेर के खड़ा हो गया। ये मेरा एटीएम है, मैंने लगाया एटीएम तो उसमें से पैसे निकले नहीं। वो उसने कहा लाइए मैम हम लगा देंगे। इसका नंबर ट्रेस करने के चक्कर में थे वो, फिर वो कहने लगा कि ये आपने गलत लगाया है नंबर मेरा। उन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग करी, दोबारा लगाया कि मेरा पूरा अकाउंट नंबर और सब चीज़ें उसमें डिटेल्स आ गए, बैलेंस सब आ गया। उसने कहा आप, फिर उसने दोबारा निकाल के फिर दोबारा लगाया। उसने ऐसा नंबर घुमाया कि मेरा मोबाइल नंबर मांगने लगे। वो मेरे ओटीपी के चक्कर में थे, उस ओटीपी उन्होंने मिला नहीं कि मैम अभी आए पैसे, क्या आप कितने पैसे निकालेंगे। मैंने कहा 1000 रुपये का वो लगा दिए, क्या आप बस 1000 रुपीज़ निकालेंगे, 1000 रुपये निकालेंगे। तो फिर उन्होंने दोबारा लगा दिया एटीएम पे। उसने बराबर वाले को पता नहीं क्या इशारा किया, उसने मेरा एटीएम लिया और स्क्रैच करने लगा। वो मेरी बहन ने देख लिया, वो इसे छीनने लगी, वो बदतमीजी करने लगा इसे बाहर जाके। फिर इसने ज़बरदस्ती वो भागने लगा, उसकी शर्ट फाड़ के एटीएम अपना भी ले, उसका भी ले लिया और मेरा भी छीन लिया। वो लेके भाग रहे थे आगे, वो शमशाद की तरफ भागने लगे। गाड़ी में बैठ गया वो अपनी सिल्वा प्लाजा पे, उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। तो आपने पुलिस से शिकायत नहीं करी? पुलिस से हमने बहुत देर से नंबर मिला रहे थे मगर फोन नंबर नहीं मिला था, ना एटीएम पे कोई गार्ड था जो हम किसी से करते, लेकिन भीड़ इकट्ठा हो गई थी वहाँ पर। फिर हमने अपने भाई को बुला लिया, एक और अंकल थे, एक अंकल थे उनका मोबाइल चला गया, एक बच्चा था वो बचाने के चक्कर में शीशा फोड़ा, उसके भी चोट लग गई। कहाँ रहती हैं? हम जमालपुर में रहते हैं, यासिरबाग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निजाम है। निजाम क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर एटीएम कार्ड वार्ड छीन के भाग गए। क्या हुआ, कौन कौन लोग थे? कार रोकी थी यहाँ पे, गुंडे लोग आए एक साथ। कितने लोग थे? क्या है भाई, 3 जने। हुआ क्या, पूरी बताओ क्या हुआ था? मैं तो बाहर, मेरा बच्चा आया। हाँ, क्या बता रहे हैं? मैं बताया 2-3 लौंडे यहाँ पे हम पहले गए, मैं सब एक साथ पड़े उन पर टूट के, और कार स्टार्ट करी, एक ना घूसा मारा, कार का शीशा फूटा, चले गए। छीन झपट कर रहे थे? छीन झपटा खूब। किसकी? लेडीजों के साथ। ये रोड कौन सी जगह है? जमालपुर कोलकाता मार्केट, मेन रोड। मेन रोड, भीड़ रहती है यहाँ पे और 24 घंटे। चौकी कितनी दूर है यहाँ से? हाँ, चौकी पास में ही। चौकी बोल रही